हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बबली किचन। आज हम आटे वाले जीरा बिस्किट बनाएंगे। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हमने 1/4 कप देसी घी लिया है। आप इसकी जगह बटर भी ले सकते हैं। 1/4 कप पाउडर शुगर, हमने चीनी को ग्राइंड कर लिया था, और 1/4 कप हमने दूध लिया है। ये दूध रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 चम्मच रोस्टेड जीरा। जीरा बिस्किट बनाने के लिए हमने आधा कप गेहूं का आटा और आधा कप हमने मैदा लिया है। अब हम इसको सबसे पहले छान लेंगे। एक बॉल लेंगे और एक छन्नी में मैदे को और आटे को मिक्स करके इसको छान लेंगे। अब एक बॉल लेंगे और उसके अंदर हम देसी घी डाल देंगे। अगर आप बटर यूज़ कर रहे हैं तो बटर डाल दें। जो घी है वो बहुत मेल्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। और इसके अंदर हम चीनी डाल देंगे, जो पाउडर शुगर है हमारी, उसको डाल के चम्मच की सहायता से अगर आप चाहें तो मिक्स कर लें, और नहीं तो आप इसको विस्कर से भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं। आज हम इसको हाथ से ही अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसका बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर हो जाए। चीनी और घी जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जैसे जैसे इसको हम मिक्स करते जाएंगे इसका कलर देखिए चेंज होता जाएगा। ये देखिए बिल्कुल वाइट कलर हो गया इसका, और ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं दोनों चीज़ें, घी और चीनी, और ये बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर हो गया इसका। 5 मिनट लगते हैं। इस तरह से इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर आटे के अंदर सूखे इंग्रेडिएंट डाल देंगे, बेकिंग पाउडर, नमक और 1 चम्मच रोस्टेड जीरा, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आटे के अंदर बेकिंग पाउडर और नमक जीरा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। हाथ से ही मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर जो हमने चीनी और घी को हमने मिक्स किया था उसके अंदर थोड़ा थोड़ा आटा डाल के इसका एक डो तैयार करेंगे। इस तरह अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसका एक हमने टाइट डो तैयार करना है। अब थोड़ा थोड़ा करके हम दूध डालेंगे। दूध भी जो है थोड़ा सा गुनगुना होना चाहिए, ज़्यादा फ्रिज का ठंडा दूध नहीं लेना, अपने रूम टेम्परेचर पे ही दूध होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। हमने इसको एक टाइट डो तैयार करना है। इस तरह से आपने हाथ से मसल मसल के, ये देखिए इस तरह का डो हमारा तैयार होना चाहिए, थोड़ा सा टाइट, सख्त थोड़ा सा। ये देखिए बीच में से ये थोड़ा इस तरह का होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इसको आपने नहीं मिक्स करना, थोड़ा बिखरा सा हो तो उससे बिस्किट्स बढ़िया बनेंगे। ये देखिए अब हम इसको अच्छी तरह से मसल के अब इसको ढक के रख देंगे। एक बॉल सा बना लें। अब इसको प्लेट्स में 10 से 15 मिनट तक इसको ढक के रख दें। 10 मिनट हो गए हैं, हमारा आटा अच्छी तरह सेट हो गया है। अब हम एक पॉलीथीन ले लेंगे और उसको इस तरह से हम चॉपिंग बोर्ड पे फैला देंगे, और पॉलीथीन को जो प्लास्टिक शीट है उसको आप थोड़ा सा ग्रीस भी कर सकते हैं। पहले ग्रीस कर लें और इस तरह दो ऊपर भी उसका पॉलीथीन डाल के हाथ से उसको थोड़ा सा प्रेस करें ताकि वो बेलने लायक हो जाए। अब इसको हम बेलन की सहायता से बेलते जाएंगे और साथ साथ जहाँ से किनारे इसके खुलते हैं हाथ से उसको जोड़ते जाएंगे। थोड़ा सा मिला लें हाथ से, इस तरह से सारी साइड से एक जैसा हमने इसको बेल लेना है। पॉलीथीन लगाने से क्या है कि स्मूथ बेला जाएगा और चिपकेगा नहीं उसके साथ। सारी साइड से देखिए एक जैसा बेलना है आपने, ये नहीं कहीं से मोटा हो कहीं से पतला हो। अगर इसके किनारे खुल रहे हैं कोई बात नहीं, हमने इसको बीच में से काट लेंगे। ये एक कट्टर ले लें, कोई भी आपके पास अगर गोल ढक्कन है ढक्कन से भी आप काट सकते हैं अगर आप स्केयर पीस नहीं काटना चाहते। और स्केयर इस तरह से कुकी कट्टर एक मिलते हैं बाजार से, ये हमने उससे काट लिए हैं। बीच में आप इसको इस तरह से दबा के इसको और इस तरह निशान लगा लें, और फिर आराम से ये जो है स्केयर बिस्किट्स निकल जाएंगे। अगर गोल बनाने चाहें तो गोल ढक्कन से भी आप कर सकते हैं, सेम इसी तरीके से। इस तरह हम सारे कट लगा लेंगे कटर की सहायता से, और जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है साइड से
डो का वो निकाल लेंगे, उसको फिर दोबारा से यूज़ कर लेंगे। इस तरह से सारे पार्ट एक्स्ट्रा उठा लें, ये डो हमारा दोबारा फिर बना लेंगे, फिर काम आ जाएगा। और इस तरह चाकू की सहायता से आराम आराम से आप ये सारे बिस्किट्स निकाल लें, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको निकाल दें चाकू से। ये हमने सारे बिस्किट्स कटिंग करके रख लिए हैं कुकिंग कटर से। और इनके ऊपर अगर आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा आप जीरा और लगा सकते हैं, ना भी लगाएं तो काफ़ी है इसमें, और ज़रा शो लगती है ऊपर जीरा लगाने से। सारे बिस्किट्स के ऊपर चार चार पांच पांच दाने हम जीरे के लगा देंगे, और थोड़ा सा हाथ से दबा दें उसको ताकि वो अंदर उसके सेट हो जाए। अब हम इसको एक जिसमें हमने बेक करना है उसमें रख लेंगे। अब उधर हम एक कढ़ाई रखेंगे जो भारी तले की कढ़ाई हो, और उसके अंदर हम ना नमक डाल देंगे। नमक डाल के कोई भी आप कोई स्टैंड अगर आपके पास है तो आप स्टैंड लगा दें या कटोरी भी लगा सकते हैं। 10 मिनट तक इसको फुल फ्लेम पे आप अच्छी तरह से इसको गर्म कर लें ताकि हमारा ओवन तैयार हो जाए। और उसके अंदर एक जाली रख देंगे, जाली के अंदर हम इस तरह सारे बिस्किट जितने आ सकते हैं आराम से थोड़ा दूरी दूरी पे सेट करके रख देंगे, और ओवन को अच्छी तरह से ढक देंगे। ये देखिए 15 मिनट हो गए, हमारे बिस्किट्स थोड़े से पक गए हैं। अभी हम इसको 15 मिनट और पकाएंगे, इसको पकाने में आधा घंटा लग जाता है और 35 मिनट भी लग सकते हैं, आपके फ्लेम के ऊपर है। तो हमारे बिस्किट 35 मिनट्स में तैयार हुए हैं, और ये देखिए कितने बढ़िया बिस्किट बन के तैयार हुए हैं। इस तरह से हम बाकी के बिस्किट्स भी बना लेंगे। ये हमारे जीरा बिस्किट्स बन के तैयार हो गए हैं, और इनको आप ठंडा होने के बाद ही खाएं ताकि ये थोड़े कुरकुरे हो जाते हैं फिर। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन क्लिक करना ना भूलें। राइट हैंड पे बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट रेसिपी में फिर मिलते हैं।